जिसे इतिहास के पन्नों से डिलीट कर दिया गया ताकि कोई देख ना ले। आज उसी मैच को रीसाइकल बिन से निकालकर आपको दिखाने वाले हैं, जैसे 83 की टीम के कैप्टन कपिल देव जी थे, वैसे ही उस टीम के कैप्टन थे अपील देव जी। जब आपको भरोसा ना हो अपने आप पर, जब लोग भरोसा करें आप पर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको भरोसा होगा या नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये जैकेट है। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये मैंने जूते हैं, ये मेरी पैंट है, क्योंकि ये वाकई वर्ल्ड कप नहीं, ये चाय का कप। मेरा नाम अपील देव है और उसके पीछे रीजन है। मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे भी बैटिंग करते हुए मेरे मुंह से अपील निकल जाती थी, एंड वार्ड नंबर 83 का वर्ल्ड कप हुआ, उसका जो श्रेय है वो सिर्फ हम लोगों को नहीं जाता है, टीम को, अंपायर को भी जाता है, क्योंकि अंपायर हमारे जीजा जी थे। वो हमारे जीजा जी 6 LBW अगर नहीं देते तो हम ये मैच जीत ना पाते। बल्कि एक एक तो उन्होंने आउट हमको, पवेलियन में खिलाड़ी बैठा हुआ था वहीं खड़े खड़े ही उन्होंने वहीं से आउट दे दिया। उन्होंने कहा कि तू यहाँ आएगा, हम देखो आउट देने ही वाले हैं, तो वहीं देते, एक बॉल कम कर देते हैं। देखा जाए तो इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो था विपिन लिच्चड़ का जो कैच उसने पकड़ा हमारी टीम में, भाग भाग के, यू नो, उल्टा भाग के मैंने कैच पकड़ा विपिन लिच्चड़ का, वो था इस मैच का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मैं उल्टा भाग रहा था, मैंने ऐसे भाग के उल्टे में पकड़ा कैच, बिकॉज उल्टा भागने का एक देयर वाज रीजन बिहाइंड इट। मेरे पापा पीछे से आ गए थे, उन्होंने मुझे दही लेने के लिए भेजा हुआ था, अगर मुझे देख लेते कि तू तो दही लेने गया था, मैच खेलने लगा, तो आई वॉज रनिंग उल्टा। और जिसने जरूरत से भी ज्यादा दमखम लगाया इस मैच में, उस प्लेयर को मैं आप लोगों से रूबरू कराना चाहता हूं। प्लीज वेलकम मोहिंदर अंडर आर्म। वेलकम मोहिंदर अंडर आर्म जी। मोहिंदर अमरनाथ जी ने तो आपसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप उठाया था वैसे अगर देखा जाए। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि इनको बैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। सो ये बैन ऑफ द मैच आपको क्यों मिला? मेरे ख्याल से ये बैन ऑफ द मैच सैयद मनमानी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर थी उस मैच। मतलब किस तरह से? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मैं भी वहीं था, मैंने मौजूद था। सैयद मनमानी जी जितनी मनमानी कोई भी नहीं करता था। उन लोग स्टंप्स के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन वो बैट्समैन के आगे आके विकेट कीपिंग करने लगते थे, मनमानी उनकी थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सैयद मनमानी जी को बैन ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया। उसका एक रीजन है, क्योंकि बैट बॉल उनका था, अगर वो ले जाते तो मैच कहां से होता। सो प्लीज वेलकम सैयद मनमानी जी। सैयद मनमानी जी। मनमानी जी आगे आ जाइए। नहीं नहीं, मैं विकेट कीपर हूं, मैं पीछे ही रहूंगा। ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, इसमें आप आगे आ सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू कम अहेड यू कैन डू दैट। नहीं नहीं पाजी, मेरे ख्याल से इन्हें पीछे रहने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल वो कार भी पीछे की सीट पे बैठ के चलाते हैं। आज अभी वो मौका आ गया है कि जब ये प्रेजेंट, यू नो, पास्ट से मिलेगा, सो वी एज पास्ट गोइंग टू द प्रेजेंट एंड लेट्स मीट देम। यस, हेलो सर। हेलो सर, क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, क्या बात है।
अब हम तो आपको देखते देखते हंस हंस के पागल हो जाते हैं। जब आप 1983 की वर्ल्ड कप में जीतने के बाद आपने कप उठाया हुआ था, आप स्पीच दे रहे थे, आप होंट बड़े चबा रहे थे उसके अंदर, ऐसा क्यों कर रहे थे? भूख लगी थी, सारा दिन खाना नहीं खाने को मिला। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा चेयर मंगाएंगे प्लीज, बैठे बैठे बात करते हैं। अरे प्लीज अंदर राम जी आ। नहीं, लेवल पे होना चाहिए ना, इसलिए ये लेवल से ऊपर होंगे क्योंकि मैन ऑफ द मैच, सेमी फाइनल फाइनल, थोड़ा ऊपर रहे तो अच्छा। मैन ऑफ द मैच, ही इज मैन ऑफ द मैच। लॉर्ड्स के मैदान में लैंडलॉर्ड की बेटी ने आपको अपना नंबर दिया था, अभी तक वेट कर रही है, आपने कॉल ही नहीं किया उसको। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पक्का ना अभी तक वही है ना? वो वही है, नंबर भी वही है। अच्छा अमरनाथ जी, आपको जो मैन ऑफ द मैच का चेक मिला था वो आप डालना भूल गए थे। ये लीजिए। एक्चुअली जी हमारा ऐसा होता था जब हमें ये चेक शेक मिलते थे तो हम पूरी टीम में डिवाइड कर लेते थे। हाँ तो चेक डाल दीजिए। हर चीज का टीम में डिवाइड होती थी। अब जैसे यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि कोई लड़की थी वहाँ पे जो अभी तक वेट कर रही है, तो वो भी शायद हो सकता था टीम में डिवाइड हो जाती, तो यू नो वो भी एक रीजन हो सकता था। तो अगर और एक बात, और आपने इनसे बोला था ना जब ये वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे, अपने लिप्स चबा रहे थे ऐसे ऐसे करके, वो क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे अब स्पीच तो अंग्रेजी में देनी पड़ेगी। अब पंजाबी आदमी और वो वर्ड सोच ही जा रहा है, हाउ टू थैंक, शुक्रिया कैसे करूं, व्हाट शुड आई से, मैं अब क्या बोलूं। तो मेरे ख्याल उसमें वोट उसके बारे में चप रहे थे, नॉट कि बेस्ट भी कुछ जीत गया हूँ, जीत की खुशी तो अलग थी, बट ये स्पीच का जो टेंशन थी वो मैच से ज्यादा थी। इसीलिए कैप्टन भी नहीं मैं बन रहा था मीडिया से, मैंने कहा मैं नहीं कैप्टनसी करता। नहीं नहीं, और दूसरा ये भी था जब वो टीम मीटिंग होती थी हमारी, बहुत शॉर्ट होती थी टीम मीटिंग, क्यों? अंग्रेजी में देनी पड़ती। हाँ जी।